हैं जो इस रैली का हिस्सा बने हैं, बहुत दूर दूर से आए, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम आलोक पांडे, प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा इकाई मंगरौरा जनपद प्रतापगढ़ से मैं हूँ। और हम लोग यहाँ पर एक सूत्रीय मांग लेकर आए हैं, तो 21 सूत्रीय मांग, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है वो है पुरानी पेंशन की मांग। आज मोदी जी को 5 पेंशन मिल रही है, योगी जी को 6 पेंशन मिल रही है, लेकिन हम इनके नीचे कर्मचारी हैं। आज मैं मर जाऊं, कल मेरे बीवी बच्चों के लिए एक रोटी का सहारा नहीं है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी 70 साल का उदाहरण देते हैं, मैं आपके इस मंच के माध्यम से 76 साल का उदाहरण देने जा रहा हूँ। 70 साल में किसी पार्टी ने कर्मचारी और अधिकारी को इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई है जितनी पिछले 6 साल में मोदी और योगी ने पहुंचा दिया। पिछले 76 साल में किसी सरकार ने कर्मचारी और शिक्षक का इतना अपमान नहीं किया है जितना माननीय मोदी जी और योगी जी पिछले 6 साल में कर चुके हैं। मैडम, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हम कर्मचारियों की केवल एक सहारा होती है कि हम 60 साल 62 साल नौकरी करते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है, उसी पेंशन से हमारा जीवन यापन होता है। समाज की क्या दशा है आप जान रही हैं। पेंशन मिलने पे तो बूढ़ों की सेवा हो नहीं रही, जिसको कुछ नहीं मिलेगा उसको कौन पूछेगा। और दूसरी समस्या हमारी ये है कि ये जो जितने नेता हमारे हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के दिल्ली में बैठे हुए सांसद तक, 5वीं फेल से लेकर BA फेल तक, ये सब के सब जय बार चुनाव जीतते हैं तय बार पुरानी पेंशन बनती है। आज मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 5 पेंशन बन गई। योगी जी 5 बार सांसद रहे हैं, 5 पुरानी पेंशन ले रहे हैं, जिनके न आगे कोई है न पीछे कोई है। और हम 62 साल अपनी जिंदगी खपा दे रहे हैं और हमारे रिटायर होने पर 70,000 तनख्वाह पाकर रिटायर हो रहे हैं और अगले महीने पेंशन 2300 रुपया मिल रही है। जो है आप स्वयं समझ सकते हैं हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो मैं अंत में केवल इतना कहते हुए कि या तो योगी जी और मोदी जी की बुद्धि खुल जाए, और वो क्योंकि देखिए हम लोग भी अपने किए का दंड भोग रहे हैं। 2014 में बहुत बड़े बड़े वादे मोदी ने किया, हम लोगों ने उनको बैठाया। 2017 में योगी जी ने कहा, यही योगी जी संसद में कांग्रेस के टाइम पर इन्होंने कहा था कि अगर जो सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देती उसको सरकार में रहने का हक नहीं। आज मैं योगी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल से आप यहाँ हैं, 7 साल से मोदी जी बैठे हैं, हम लोगों को क्यों नहीं दिए? क्या मान लें कि आप भी उब गए हैं, आप भी रहना नहीं चाहते? तो इसलिए ये कहते हुए कि अगर हमारी पेंशन नहीं मिलती तो हम सरकार अब तब तक बदलते रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिलती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।